हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ डुमस बीच, जो कि सूरत के अंदर है। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है और काफ़ी लोग जाते हैं, और आज मैं भी जा रहा हूँ। 2 साल बाद जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और इस बार यूट्यूब पर वीडियो डलेगी। तो अभी मैं खड़ा हूँ केबल ब्रिज पर, जो कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का भी, और आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ये है तापी नदी, जो कि सूरत के अंदर होके जा रही है, और मैं इस ब्रिज पे खड़ा हूँ। इसका ब्रिज का नाम है केबल ब्रिज, जो कि मैं अक्सर आता रहता हूँ। तो इस ब्रिज पे आप जब भी आएंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, बस ठंडी ठंडी हवा मिलेगी जो भी इवनिंग के टाइम पर। और यहाँ पे खड़े होने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, इवनिंग के टाइम पर आते हैं। और ये ब्रिज के नीचे का व्यू है। मैं जाऊंगा वो दूसरे वाले रास्ते से जो कि सामने है, काफ़ी अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो बुक करने, जो कि मैं स्टेशन जाऊंगा उसके अंदर, और कोई नहीं होगा। तो यहाँ से सीधे डुमस। मैं मतलब कि मथुरा से कल ही आया हूँ, और कल से मेरी ड्यूटी चालू है, जॉब मतलब की। और आज का दिन फ्री है, तो मैंने सोचा चलो घूम कर आते हैं डुमस, और आप लोगों को भी थोड़ा घुमा के आते हैं। और यहाँ वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। डुमस बीच भी जाएंगे, वहाँ पे मस्ती वगैरह भी करेंगे और देखेंगे, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। और ये आपको गोल्डन बिल्डिंग दिख जाएगी, जो कि आपको पूरी लगेगी कि ये गोल्ड की है, बट ये गोल्ड नहीं है। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ लोगों को, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। ये मेरा सेकंड व्लॉग है, और पहले भी मैं जा चुका हूँ डुमस बीच करीबन 2 साल पहले। अभी मैं जा रहा हूँ फिर से, और ये काका हैं, जो कि हमारे आगरा के पास के ही हैं, इटावा। और मैं आगरा का रहने वाला हूँ, और बाकी तो मतलब आगरा का नहीं, प्रॉपर आगरा का नहीं, आगरा के पास में ही रहता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ डुमस बीच, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और आप लोगों को यहाँ का सूरत के 2-4 प्लेस मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि वीआर मॉल हो गया, और राहुल राज मॉल हो गया, और मतलब कि एयरपोर्ट हो गया, और भी बहुत सारी बिल्डिंग हैं, काफ़ी बेहतरीन बिल्डिंग है, आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी देखते हैं, चलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं राहुल राज मॉल के सामने, जो कि सूरत का सबसे बड़ा मॉल है, और इसमें सब कुछ अवेलेबल है। आप लोग आओ तो एक बार अंदर जरूर जाना। और ये सामने ऑडी का शोरूम है, जो कि डुमस वाले रास्ते पे है। आप लोगों को जब भी ऑडी लेनी हो यहाँ से ले सकते हो। बड़ी सी चॉकलेट, जो कि ये भी आपको डुमस वाले रास्ते पे मिलेगी, जब भी आप डुमस जाओगे तो रास्ते में मिलेगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखती है देखने में। और ये है वीआर मॉल, जो कि ये भी काफ़ी बड़ा है, पीछे तक बहुत बड़ा मॉल है ये भी। और फाइनली हम लोग आ गए हैं ये टाइटैनिक वाली बिल्डिंग पर, जो कि इस बिल्डिंग को देखने के बाद मेरे को तो टाइटैनिक का ख्याल आता है, कि टाइटैनिक के जहाज़ को यहाँ तोड़ के लाया गया है। आप लोग देख सकते हो आगे से पीछे से पूरा टाइटैनिक लग रहा है, देखो पूरा टाइटैनिक है। और मैं तो शौक खा गया, और मतलब कि 2 साल पहले मैं आया था तो ये बन रही थी, और भी तो ये है सूरत का एयरपोर्ट, और ये काका है, और इन काका के ऑटो में मैं आया था, और आप लोग देखिए। तो ये सूरत का एयरपोर्ट है, और ये काका हैं, ये हमारे उधर के ही हैं, आगरा के। तो अभी मैं जा रहा हूँ डुमस, ये डुमस वाला रास्ता है, और ये सूरत का रास्ता है।
मेरा कोई इरादा नहीं था ब्लॉग बनाने का, पर मैंने सोचा चलो जा रहे हैं तो एक ब्लॉग बना ही जाए। तो अभी जाते जाते देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो यहाँ से डुमस करीबन 18 किलोमीटर दूर, तो मैं जा रहा हूँ 18 किलोमीटर दूर, तो अभी तो मतलब कि 10 किलोमीटर दूर रह गया है। तो अभी मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ वैसे, तो मिलते हैं ब्लॉग। आई लव सूरत, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आई लव सूरत, तो मुझे सूरत बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं डुमस के स्टॉप पे, जो कि यहीं पे सब ऑटो वाले रोकते हैं और बस स्टैंड वाले रोकते हैं। और ये आपको बड़ा सा राक्षस मिल जाएगा, पता नहीं आदमी मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर है प्लास्टिक, बाहर तो लोहे से बना हुआ है। और आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो पूरी इसमें प्लास्टिक की बॉटल है और ये बाहर आपको मतलब लोहे का सरिये टाइप के हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि प्लास्टिक का यूज किया है। और ये यहाँ पे लिखा है आई लव डुमस, तो कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को इसमें से पानी निकलता है, अभी नहीं निकल रहा, पता नहीं क्यों, मैं आया हूँ इसलिए। वैसे तो बहुत ट्रैफिक रहता है पर आज एकदम खाली है, पता नहीं क्यों, संडे वाले दिन तो बहुत ट्रैफिक रहता है। आप लोग देख सकते हो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कोई नहीं है। और ये तो आज के दिन थोड़ा सा भी ट्रैफिक नहीं है आप लोग देख सकते हो, वरना तो इतना ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं और यहाँ पे करीबन 30 रुपये या 40 रुपये प्राइस है एक फ़ोटो का, पर फ़ोटो 30 रुपये या 40 रुपये। तो यहाँ पर ये देखो फ़ोटो शूट हो रहा है, आप लोग भी आओ तो फ़ोटो शूट करा सकते हो। और यहाँ पे ये देखो पूरा ये डुमस पूरा खाली है, आप लोगों को लग रहा है कि काफ़ी ट्रैफिक है, बट इतना ट्रैफिक रहता है ना तो आप लोग देख के हैरान हो जाएगा, बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। हालांकि इतना अच्छा नहीं है ये डुमस, पर यहाँ पे फिर भी ट्रैफिक रहता है। 2 साल बाद फिर से एक बार ऊँट पर बैठने जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऊँट पर बैठना, और पूछो मत। जिस टाइम पे ये खड़ा होता है ना उस टाइम पे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप लोग बैठ के देखना कभी। पास में ही एयरपोर्ट है और ये काफ़ी नीचे प्लेन जा रहा है, वीडियो में आप लोगों को लग रहा है कि ऊपर है पर ये काफ़ी नीचे है, बहुत नीचे जा रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा वैसे तो, और बहुत नीचे है। तो अभी मैं आ गया हूँ समुद्र के बीच में और यहाँ से मैं पीछे का बैकग्राउंड आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो उधर दूर एकदम पूरा एक वो मंदिर है, मंदिर के बाद है ये पूरा यहाँ तक, पहले वहाँ तक पानी आता था बहुत आगे तक वहाँ तक, तो अभी पानी नहीं आया है और आगे भी नहीं है। तो लोग आगे देखने के लिए जा रहे हैं, अगर आप लोगों को लोग दिख रहे हैं तो वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वो लोग जा रहे हैं पानी देखने के लिए, क्योंकि आगे पानी है और यहाँ पे पानी है नहीं। और मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी अभी देखो बीच में ही हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है, तो कोई है ही नहीं, अभी वो पीछे है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे, तो जाने के बाद हम लोग देखेंगे क्या है। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है, बस आप लोग आओ तो बस हवा का मज़ा लीजिए, बाकी तो कुछ नहीं है। तो बहुत लोग जा रहे हैं आगे देखने के लिए और मैं भी जा रहा हूँ और जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ इन लोगों के साथ में ही, और यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे आगे तक पानी नहीं है, पानी तो है ही नहीं, और ये लोग भी यहीं पर रुक गए क्योंकि आगे रास्ता है नहीं, कीचड़ है आगे। अभी मैं वापस आ चुका हूं, तो अभी मैं जाऊंगा उस पत्थरों पे, पत्थरों पे जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहां पे पत्थरों पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, वीडियो में आप लोगों को लग रहे हैं कि छोटे हैं बट ये बहुत बड़े हैं, आप लोग जब भी आओ तो देख लेना। और ये आप लोग देखिए काफ़ी ट्रैफिक तो है ही नहीं, मेन चीज़ ट्रैफिक तो है ही नहीं, वरना बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, पूछो मत, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और ये यहाँ का फाइनल लुक है, जो कि ये मंदिर है, यहाँ पे हम पूजा भी करते हैं यहाँ पे आके लोग। और ये आपको पानी दिख रहा है पर ये पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, इसको पानी नहीं बोलते हैं, वरना तो यहाँ तक ऊपर तक पानी आ जाता है।
बहुत ज़्यादा पानी आता है और वहाँ तक पीछे तक वो सामने तक पानी आ जाता है और ये शायद यहाँ पर कार वगैरह यहाँ पर भी पानी बहुत आ जाता है। तो अभी मैं डुमस से वापस आ चुका हूँ और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये है गौशाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं और ये केवल ब्रिज के पास में ही पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This